Step number two. Step number three. Step number one. Step number two. Step number three. Step number one. Step number two. Step number three. Step number one. Step number two. Step number three. अरे थ्री में ऊपर करके पटकना, तुम लोग उधर के उधर ही पटकते हो। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। पैर पटकना है और हाथ चिपका हुआ रहना चाहिए बदन को, ये बदन को हाथ चिपका ही रहेगा। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। डायमंड के लिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अभी हम लोग दाएं मुड़े अब तक, बराबर। अभी बाएं मुड़ना है, कहाँ पे बाएं मुड़ना है? बाएं यानी कौन सा, कौन सी जगह, कौन सा एड़ी पहला उठेगा? बाएं का, समझ गए? ठीक है, सबको ध्यान में आएगा क्या? हाँ, बाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, स्टेप वन है क्या सबका बराबर? देखो पंजे को कहाँ तक घुमाना है, बाएं की तरफ, एड़ी को चिपका हुआ ही रहेगा। स्टेप टू, स्टेप थ्री। राइट पैर पटकेगा, यानी पीछे का राइट पैर रहता है तो राइट पैर पटकेगा, बराबर है? उधर ही रहो ना, तुम्हारा मुंह उधर ही जाना चाहिए, पीछे क्यों देख रहे हो? अभी बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, देखो अभी हमको बाएं मुड़ना है। बाया किधर गया? बाया किधर है? इधर है। देखो ये एड़ी है और एड़ी को मैं इस तरह से घुमाऊंगा, घूम गया उधर तक, बराबर। और फिर बाद में ये पंजे से ये हो गया, बराबर। इधर देखो रे, और फिर बाद में ये पैर को ऊपर से लेके मैं यहाँ पे पटकूंगा, नीचे से नहीं ऊपर से ही, लेकिन हमारा एड़ी से एड़ी मिलना चाहिए, ठीक है? बाएं मुड़ने के लिए खाली, सिर्फ बाएं मुड़ने के लिए। अभी हम लोग ऐसे है, ध्यान में रखो, मैं ऐसे हूँ, मैं सिर्फ ये पैर को यहाँ तक लाऊंगा, सिर्फ क्या हिला, एड़ी से मेरा लेफ्ट का पैर हिला, बराबर, ठीक है, इतना ही। ओके, बाएं मुड़ने के लिए स्टेप वन, देखना इधर ही है रे, इधर उधर देखना नहीं है, गर्दन अपना स्ट्रेट ही रहेगा, ऐसा ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, समझिए, हंसते क्यों? स्टेप टू, स्टेप टू में हमारा पंजे से दूसरा पैर, अभी जो अभी देखो सबका फोल्ड, देखो ये पैर है ना, हाँ ऐसा स्ट्रेट रहेगा, टांग के रखो, टांग के, समझ के, ये इसका देख, जिसका हाइट है वो देख बराबर खड़ा रहता है, जूता भी अच्छा है, देखो हमारा जूता देखो, मुंह पोछ सकते हो, ठीक है? ये देख जूता नीचे और पैर ऊपर, स्टेप टू हो गया ना, अभी क्या करना है मालूम है? सब हाथ स्ट्रेट रहेगा, देखो इसका स्ट्रेट है वैसा स्ट्रेट, अरे नीचे तक जाना चाहिए और सावधान के पोजीशन में। अभी स्टेप थ्री में क्या करेंगे, राइट पैर को पटकेंगे उठा के, ठीक है? अभी तुम्हारा पैर देखो इधर तक आ गए, थोड़ा सा उधर से, स्टेप थ्री, जोर से पटकना है ऊपर लेके, समझ गए? ये आवाज सेम आना चाहिए, मैं स्टेप वन टू थ्री कर रहा हूँ तो पटकने का आवाज तो एक ही इसमें आना चाहिए नीचे तक, ठीक है? वापस स्टेप वन, सिर हमको एडी से हिलाना है, बाकी सीधा ही देखना है। स्टेप टू, टू में हमारी दिशा चेंज हो जाती है, मगर पैर को देखो, हर एक का पैर जो पंजे से हम लोग खड़े करते हैं वो पूरा पैर ऐसे रहेगा, गर्दन सीधा सामने स्ट्रेट देखना है। स्टेप थ्री,
है कि ना। स्टेप थ्री में कैसा रहेगा, जो पीछे का पैर होता है वो पटकने के लिए होता है, लेकिन ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ एड़ी को एड़ी मिले आएंगे, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीन बोलेंगे तब पटकना है, उसके पहले नहीं। और स्टेप वन में सिर्फ एड़ी हिलेगी और उतने कॉर्नर तक जाएगी, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप एड़ी, गर्दन बिर्दन मूवमेंट हमारा हाथ का मूवमेंट रहेगा ही नहीं, जैसे ये यहाँ तक स्टेप क्या हुआ, एड़ी हिला है कि नहीं, थोड़ा मूवमेंट होगा, दूसरा इधर, फिर अभी हमारी स्ट्रेट होगी, फिर बाद में ये पैर को उठाना, इतना तक उठाना है और फिर बाद में पटकना है, ठीक है। अभी हम लोग दो स्टेप हो गए ना, या नहीं, एक ही हो गया। स्टेप टू, स्टेप थ्री, बाद में नहीं, स्टेप वन, सीधा देखना, अभी हम लोग कहाँ देख रहे, उधर ही देखो, खाली हमको एड़ी हिलाना है पहले टाइम पे। स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, सिर्फ बॉडी हिलाने, सब लोग हिल गए देखो, सिर्फ एड़ी हिलाना है और सामने ही देखना है। स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, सिर्फ एड़ी, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अभी हमको विश्राम में जाना है, ठीक है। विश्राम में मालूम है ना कौन सा पैर ऊपर आएगा, लेफ्ट का, और पंजे में 12 से, पंजे में 16 और एड़ी में 12 इंच, इतना गैप रहेगा। अभी सावधान पोजीशन में है, सावधान, एड़ी से एड़ी मिली हुई, सावधान, सबका है क्या, एड़ी से एड़ी मिली, एड़ी यानी पीछे का सोल, देखो चिपका नहीं है किसी का, किसी का चिपका नहीं तो चिपकाओ। प्रेट एक्सल विश्राम है क्या, विश्राम में दोनों हाथ पीछे है सबके, हाँ, विश्राम में पैर में गैप रहेगा, है कि नहीं, आपके पैर में गैप है क्या, पैर में गैप कितना रहेगा, एड़ी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच है। सावधान, सावधान में हमारे हाथ कहाँ रहेंगे, सिलाई के पीछे और पंजे, दोनों पंजे में 6 इंच का गैप। विश्राम, अभी विश्राम में हमारे पैर में गैप रहेगा, एड़ी में 12 इंच, दोनों एड़ी में 12 इंच, ये 12 इंच हो गया बराबर, ये 12 इंच हो गया और फिर बाद में 16 इंच पंजे में, तो थोड़ा दो इधर, दो इधर, समझ गए, हाथ हाथ नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ तक नीचे की तरफ, ऐसे ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। सावधान है, सावधान बराबर, सावधान में दोनों मूड बंद, देखो चेक करो, आपने अपना मूड चेक करो, सिलाई के पीछे है कि नहीं। एक साथ विश्राम है, सब लोग विश्राम में, विश्राम में हमारे पैर में अंतर रहेगा, ठीक है, ये हमेशा करते रहो, जगह जहाँ जहाँ पे आप लोग खड़े हो, ठीक है। सबको मालूम है सिक्योरिटी का स्पेलिंग आता है, पहला अल्फाबेट क्या है, एस, एस का मतलब मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ, क्या हूँ, मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ, मेरा काम क्या है, जान की रक्षा करना और सम्मान करना, माल की रक्षा करना, हिफाजत करना, माल की रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे और सबका सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे एक दो
तीन, समझ गए? ये सम्मान होता है, सलूट, सबका सम्मान करना है, चाहे कोई दुश्मन हो या चाहे कोई दोस्त या कोई भी हम सफर, कोई आ रहा है सामने से तो उसका सम्मान ही करना है हमको, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबका सम्मान इसके लिए बोला जाता है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो। हाँ, झगड़ा बिगड़ा नहीं करने का इधर, यही तो हमको हमारा काम ही है, सुरक्षा रक्षक में सबका सम्मान करना पहला काम रहेगा हमारा। कोई आता है तो सबका सम्मान करो, गुड मॉर्निंग सर, इतना लंबे से बोल सकते हो आप, सर यहाँ से एंट्री नहीं, सर वहाँ से एंट्री है, पहले सम्मान करना है हमको, क्या करना है, क्या करना है, सम्मान करना है, पहले सम्मान, देखो मत इधर उधर। हाँ, चाहे तूफान आए चाहे सूरज चमके, लेकिन हमको हमारा काम हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, सम्मान है, सबका सम्मान करना है, ध्यान में रखो, और सबका इस मॉल के परिसर का सामान का हिफाजत करना है, और क्या करना है, और सबकी जान की रक्षा करना है, सबकी जान लेना नहीं है, ठीक है, और ईगल आए, ई फॉर दूसरा अल्फाबेट क्या है, ईगल आए की तरह तीक्ष्ण नजर से देखना है, ऐसे नहीं मुंडी नीचे करके रहना है, सिर्फ तीक्ष्ण नजर से ऐसे चलना है, वैसे चलना है, फिर यहाँ से चलूंगा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दाएं की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ से चलूंगा तो मैं बाएं की तरफ देख रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसे टर्न मारूंगा तो पीछे की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे देख रहा हूँ तो सामने देख रहा हूँ, ये हमारा काम होना चाहिए। देखने के बाद दिखाई तो दिया मुझे, अभी दिखाई देता है ना, तो ऐसा टर्न मार के लेफ्ट राइट स्ट्रेट पीछे बैक साइड, ये सब हमको चारों तरफ देखना है, कभी भी हम लोग ड्यूटी पे कहीं पे भी हो, चारों तरफ हमको देख के क्या करना है, देखना है, क्या करना है, बाद में बाद में क्या आता है, एस के बाद ई, ई के बाद, हाँ ई के बाद सी फॉर करेज, यस धाड़स करना है हमको, क्या करना है, धाड़स करना है, फिर बाद में क्या करेंगे हम, धाड़स करेंगे और उसको सवाल करेंगे, भाई साहब इधर आओ, तो हमने क्या किया, धाड़स कर दिया, क्या किया, धाड़स के, इसको बोलते हैं करेजियस, ठीक है अभी जाओ, ये इसको क्या बोलते हैं, करेजियस, क्या बोले, मैंने धाड़स किया, मैंने उसको बुलाया, ऐसे नहीं शर्माया नहीं मैं, उसको सवाल कर किया और उसका जवाब आ गया, ठीक है, ये हो गया किसको, जिसको हम दम दे सकते हैं, मगर किसी को भी ऐसा नहीं बोलते हम लोग, एक्सक्यूज मी सर, उसका ध्यान नहीं है तो एक्सक्यूज मी सर, ऐसा स्माइल देना है, तुम लोग राग देते हो, किधर जा रहा है, समझ गए, एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर, सर यहाँ से एंट्री नहीं है, सर वहाँ से एंट्री है, क्या है, प्यार से, सर यहाँ पे खाना खाना नहीं है, यहाँ पे खाना खाने नहीं, ये चलने का रास्ता है, स्टेयरकेस में अगर आपको दिखाई देता है कोई तो क्या, यहाँ पे खाना खाने नहीं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये बोलना है उनको, क्या बोलेंगे, यहाँ पे सर खाना खाना मना है, यहाँ पे 500 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा आपको, समझ गए, ये प्यार से बोलना है, सामने से ईगल आई की तरह हम लोग देखेंगे पहले ही, समझ गए, ऐसे नहीं इधर आने के बाद, आगे आने के बाद, भाई साहब सर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं, समझ गए क्या, yes, sir. सबको समझ में आ रहा है क्या, yes, sir. तुम लोग का ध्यान ही नहीं रहता है, मजाक मस्ती में लेते हो, फिर बाद में हमको क्या रहे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के, हम लोग क्या करने के लिए, देखो तुम लोग पहले से ही परेशान हो, आत्मा पहले से परेशान रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझ गए, हम लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान में हो, आपका प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं है, आपको प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करना है, क्या करना है आपको, लोगों का जो लोग आ रहे हैं उनका प्रॉब्लम क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए, ध्यान में रखो, ईगल आई किधर देखोगे, करेजी से झाड़ से पूछोगे, सवाल करोगे तो आप, और सबका सम्मान बराबर करोगे तो ये आप प्रॉब्लम किसी का सॉल्व करने के लिए, आप खुद अपना प्रॉब्लम मत बनो, समझ गए क्या, यस सर, ए भाई साहब समझ में आ रहा है आपको, सबको अपना प्रॉब्लम
क्रिएट नहीं करना है, किसी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। सुरक्षा इसकी करनी है, अपनी करके दूसरों की भी करनी है, ईगल आई की तरह देखना है, और कोई अगर गलत करता है तो उसको उसको कैसे रोकोगे? गुड मॉर्निंग सर, स्माइल दोगे? गुड मॉर्निंग सर, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, मगर इस यहाँ पे सिगरेट पीना, तंबाकू खाना मना है, ये सब बोलना है। हम लोग अगर प्यार से बोलेंगे तो किसी से झगड़ा नहीं होता है। पहले क्या कहें, चलो खा तो रहा है वो, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, कोई बैठा रहेगा तो ठीक है। उसके बाद में सर इस परिसर में बैठना मना है, इस परिसर में खाना खाना मना है, लेकिन पहला क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये कौन बोलेगा? सामने वाला डरेगा तो ही बोलना है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर बाद में टोन बदल सकते हैं हम लोग। माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं कैसा बोलूँगा, मैं तो आवाज़ करके बोलूँगा, क्योंकि मेरे को पहले ही डरेंगे, मगर तुमको नहीं डरेंगे, ये ध्यान में रखो, तुमको झगड़ा करेंगे तुम लोग। इसके लिए क्या बोलना है तुमको? गुड मॉर्निंग सर, माफ़ी चाहता हूँ, मैं सर आपको रोक रहा हूँ, इस परिसर में खाना खाना मना है, ऐसे प्यार से बोल के उनको ख़त्म करने का है, ठीक है? यस सर। ओके, यहाँ पे सिगरेट पीना सर मना है, यहाँ पे पार्किंग में बैठना मना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, प्यार से उनको गुड मॉर्निंग सर विश करेंगे, समझ गए? किसी को भी स्वागत पहला करना है और उसके बाद में डांटना है, डांटना है तो प्यार से डांटना है, डांटने वाला आदमी रहेगा तो, अगर झगड़ा करने वाला रहेगा तो हमको प्यार से ही बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है, ये ध्यान में रखो, समझ गए? किसी से भी झगड़ा मोड़ना नहीं है, फिर बाद में तमाशा हो जाता है, चारों लोग देखते हैं हमारे पास, ठीक है? ओके, आज के लिए काफ़ी है, इतना समझ लो, झगड़ा हमारे तरफ से होना नहीं चाहिए ना उनकी तरफ से होना चाहिए, हमको झगड़ा शॉर्ट आउट करने के लिए, हम लोग क्या करने के लिए यहाँ पे, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हम लोग नहीं है, ठीक है? ओके, बहुत कुछ बोलना है लेकिन वक्त की कमी है, समझ गए? वक्त की कमी न होने की वजह से तुम लोग को छुट्टी दिया जाता है, वैसे कमजोरी बढ़ गई है, चलो। थैंक यू सर। जय हिंद।